आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर जोन 3 खुर्सीपार स्थित अशरफी मस्जिद में ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान मस्जिद परिसर में देशभक्ति का जज्बा लिए लोग शामिल रहे। सभी ने एक स्वर में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अंग्रेजों की हुकूमत तोड़ते हुए आज़ादी हिंदुस्तान में दिलाने के लिए सभी ने एकजुट होकर अपनी ताकत लगाई थी, तब जाकर हमारा देश आज़ाद हुआ और हम आज़ादी की खुली हवा में सांस लेने लगे। तब से लेकर आज तक आज़ादी का पर्व हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर एकजुट होकर मनाते आ रहे हैं। पूरे 78 वर्षों से ये सिलसिला बरकरार है और ता कयामत तक बरकरार भी रहेगा। गौरतलब है कि हर साल की तर्ज पर इस साल भी खुर्सीपार जोन 3 स्थित अशरफी मस्जिद में आज़ादी का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान व सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गुंजायमान होता रहा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। आज आज़ादी का 78वां जश्न पूरा भारत और दुनिया में जहां भी देशवासी रहते हैं मना रहे हैं। आज़ादी ये हमारा हक है, हम आज़ाद पैदा हुए और आज़ाद रहना हर इंसान का हक है। हिंदुस्तान 90 साल की मेहनतों और हमारे पूर्वजों की कुर्बानियों के बाद आज़ाद हुआ है। इस मुल्क में जहां दूसरी कम्युनिटी, दूसरे मज़ाहिब, दूसरे मज़हब के लोगों की कुर्बानियां हैं आज़ाद कराने में, वहीं एक बड़ा हिस्सा हम मुसलमानों का भी है इस मुल्क को आज़ाद कराने में। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सबसे पहले जिहाद का फतवा जिस ज़ात ने दिया, वो किसी कॉलेज से नहीं, यूनिवर्सिटी से नहीं, स्कूल से पढ़े हुए नहीं, बल्कि मदरसे से पढ़ने वाले शख्सियत का नाम अल्लामा फजल हक खैराबादी है। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक जितने भी दरख्त थे, हर दरख्त पर उलमा की लाशें लटकाई गई। हम चाहते हैं कि दुनिया इस मुल्क की तरफ देखे और हमारा ये मुल्क सुपर पावर बने, तो फिर से हमें उस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, करप्शन से निकालने के लिए, बेरोजगारी से निकालने के लिए, हमें इस मुल्क से गुर्बत को ख़त्म करने के लिए फिर सारे कम्युनिटी, सारे मजहब, सारे धर्म के लोगों को एक प्लेटफार्म पे आकर इस मुल्क को आगे बढ़ाना होगा, इस मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाना होगा, तभी ये मुल्क हमारा आगे बढ़ सकता है। इस मुल्क की सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वो जम्हूरियत है, वो डेमोक्रेसी है, और जम्हूरियत को बाकी रखना ये हमारी और आपकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। अगर आज भी अगर इस जम्हूरियत और डेमोक्रेसी को कोई शख्स ख़त्म करता है तो सबको मिलकर उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। इस मुल्क की खूबसूरती गंगा जमनी तहजीब में है, इसलिए आइए फिर से हम ये अहद करते हैं कि हम सब मिलकर इस मुल्क से बेरोज़गारी और गुर्बत और भ्रष्टाचार और करप्शन को ख़त्म करके अपने भारत को दुनिया के सामने हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारा भारत, हमारा ये मुल्क बड़ा ही खूबसूरत है, जहां हर मज़हब के लोग, हर धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। हर साल की तर्ज पर इस साल भी खुर्सीपार स्थित अशरफी मस्जिद में आज़ादी का पर्व कौम के लोगों ने खुशियों के साथ मनाया और मिठाइयां भी बांटी। ACN न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।